हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जस्ट अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और शाम का अर्ग है, तो अर्ग देने के लिए निकलेंगे यहाँ पे। अभी जस्ट देख रहे हैं, हम ड्रेस पहन लिए और मेरी बेटी भी पहन के तैयार होगी। देखे 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 देखिए, इधर बड़ा क्यूट लग रही है। क्यूट लग रही है, आप लोग बताइएगा कॉमेंट करके कि अच्छी लग रही है कि नहीं, क्या? और उसके बाद में दिखाते हैं, आप सभी लोग तैयार हो रहा है अभी फिलहाल। और एक चीज और, आज वर्ल्ड कप फाइनल भी है, तो फाइनल देखने भी थोड़ा सा बेस्ट बेस्ट लग रहे हैं। और जल्दी जल्दी में घाट पे भी जाना है, दौरा लेकर हम ही को जाना है। क्या करें? तो दोनों काम करना है, दोनों वर्ल्ड कप देखते हुए तो अर्घ भी देना है, तो देखते हैं। और ये देखिए श्री देवी तैयार हो गए हैं, पता नहीं खुला बाल जाएंगे या बाल बांध के जाएंगे, तो अब यही बताएगी। क्या खुला बाल जाएगी है? हाँ, तो आजकल फैशन है। और इसकी देखिए चूड़ी अभी सेटअप हो रहा है। बाप रे, अच्छा तुम पहन ली हो। और उसके बाद में हम आपको मिलाते हैं वैसे आदमी से जो एक नंबर क्या बोलता है, अक्रू है। देखो ये, इसका कहना है कि हम घाट पे भी जाएंगे जबकि जींस पहना दिए, लेकिन कहना है कि हम हाफ पैंट पहन कर जाएंगे। तो ये एकदम बदमाश हो गया है, छोटू इसका नाम है, और जानबे करते हैं कितना बदमाश है। और ये तन्नू रह गई। उसके बाद अश्विन, अश्विन का देखिए एड्रेस, अश्विन का एड्रेस है, करो है। कहाँ चल रहे हो? घाट। घाट पे भी तैयारी कर लिया, लेकिन यार काला काला तू लग रहा है कैमरा में, है? ये काला कैमरा में है, रियल लाइफ में थोड़ी। रियल लाइफ में नहीं है। और हम? तुम भी तो लग रही हो यार, काले लग रहे हैं। नहीं लग रहे हैं? कमेंट्स कीजिएगा जरूर आप लोग, काला काला काली लग रही है या नहीं। क्या तो क्या सब बोलेगा गोरा है। हाँ गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर पापा चप्पल खोल गया, चप्पल खोल गया, घर में खोल गया। बैक टू माय न्यू व्लॉग, आज हम बना रहे व्लॉग और पापा लेके आ रहे हैं छठ का सामान, फल फ्रूट। देखिए ये पापा का व्लॉग है, आज हम शूट कर रहे हैं। कम से कम एक साल के बाद ये है मेरा ब्लॉग, है ना पापा? हाँ। मुझे देखा। और ये है अंकित चरस, इंस्टाग्राम पे तो देखा ही होगा। बंद करो। पीछे तक कहाँ चाहिए? चलो गाइस, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पापा जा रहे हैं आगे घाट पर, यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा आर है, नीचे ग्रीन कारपेट बिछा हुआ था तो वो खत्म हो गया है। अभी आ ही रहा है भीड़, अभी बहुत सारा भीड़ यहाँ पर, बहुत सारा भीड़ लगेगा। देखिए उस साइड लग चुका है भीड़, और यहाँ पर ऊपर पूरा डेकोरेशन भर रखा है। तो फाइनली दौरा लेकर के घाट पे आ चुके हैं, अब यहाँ के बाद अभी यहाँ पे अर्घ होगा। पहले अर्घ नहीं, नहीं नहीं, गंदा पानी, उतना पानी साफ नहीं है, तो यहाँ पे पानी जो है स्टोर किया गया है। यहाँ चलता हुआ नदी में हम लोग का अर्घ नहीं पड़ रहा है, इधर चलता व्यवस्था नहीं है पानी का, तो यहाँ पानी स्टोर किया गया है। अश्विन बोला है नहा ले, नहाया जाएगा सुबह का टाइम में, लेकिन अभी तो पानी स्टोर करके रखे हुए, अभी इतना भीड़ लगा हुआ है। इसके बाद और सारे अभी आ रहे हैं, तो देखिएगा धीरे धीरे बहुत सारे यहाँ पे भीड़ होगा। आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो पे और देखते रहिए। तो दिखा रहे हैं हम आप लोग को घाट का दृश्य अभी फिलहाल, यहाँ पे देखिए कितने सारे भीड़ अभी लग रहा है, यहाँ से लेकर के आपको लंबी लंबी दूरी तक मिलेगा। और सूर्य भगवान ढलते हुए, जो कि जिनका अभी अर्घ पड़ेगा, ढलता हुआ सूर्य का अर्घ पड़ता है और सूर्य भगवान की ढलता हुआ दिख रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे परवैती लोग पानी में हो गए, सूर्य भगवान का अर्घ दे रहे हैं। इसी तरह से देखिए इधर पे बैंड बाजे के साथ यहाँ पे अर्घ पर्व हो रहा है। इस पर पर्व त्यौहार हम खास करके हमारे बिहार का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होते हैं। ये देखिए भीड़ अभी यहाँ का। और उसके बाद इधर में हमारे सारे यहाँ पे मेरी मैडम यहाँ पे है, अंकित है, मेरी माँ है सामने में, तन्नू है उधर, और उसके बाद में इधर सारे देखिए भीड़। इस तरह से अभी भीड़ लग रहा है और अभी भीड़ आएगा, क्योंकि अभी सूर्य भगवान जो हैं अभी
थोड़ा सा अभी और है प्रकाश इनकी में है, थोड़ा सा डूबता हुआ सूर्य को अर्घ होता है, तो सूर्य भगवान को अभी डूबने में समय है, इसलिए अभी थोड़ा सा समय लग रही है। और लोग पर्वती जितने भी हैं सारे यहाँ पे भी आएंगे, इकट्ठा होंगे और यहाँ पे अर्घ देना शुरू करेंगे। तो अभी इंतजार कर रहे हैं सूर्य भगवान का, सूर्य का ढलने का। तो देखिए अर्घ पड़ना शुरू हो गया और सूर्य भगवान भी ढल चुके हैं, बस ढलते हुए ही हैं, उसी समय अर्घ हो रहा है। और ये जो है छठ पर्व इतना पावन पर्व है जो कि यहाँ पे उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। देखिए कितने एजेड एजेड वाले पर्व करते हैं और बहुत भक्ति और निष्ठा के साथ करते हैं, देख सकते हैं पूरी। और उसके बाद में तो भीड़ का तो फिर कहना ही नहीं है, ये मात्र एक गांव की इतना भीड़ है। तो हमारा एक छोटा सा गांव है, उस गांव में इतने सारे लोग, देखिए पर्व में घाट पे इतने सारे भीड़ लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इतने सारे लोग यहाँ पे भीड़ में हैं। क्या हो गया क्या, चलते हैं हम भी पानी के अंदर, तो इसलिए अभी देखो बुलाया जा रहा है हमको बार। अर्घ पड़ रहा है, तो इस तरह का अर्घ जो है चारों तरफ घूम घूम कर दिया जाता है। जो बिहार के हैं वो तो सारे लोग जानते हैं कि छठ पर्व का अर्घ कैसे दिया जाता है, लेकिन जो नहीं बिहार के हैं वो देख सकते हैं किस तरह से घूम कर दे रहे हैं। ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं, हमारी बहन है, हमारी दीदी जो है ये दे रही है अर्घ, और इसी तरह से यहाँ पे भीड़ देखिए सारे। तो अब भीड़ दिखने लगा यहाँ पे, देखिए सब सारे तो भाभी वहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे भीड़, ये देखिए यहाँ पे फोटो खींचने के लिए बना हुआ है रजौड़ा, आई लव रजौड़ा। हाँ सेल्फी ठीक है, और देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच जो कि मेरे गांव में किस तरह से टीवी पे लगाकर देख रहे हैं लड़के लोग, और यहां पर किस तरह से मस्ती कर रहा है, विकेट गिर रहा है ऑस्ट्रेलिया को, इंतजार कर रहा है किसी तरह से भारत मेरा जीते, बहुत इंतजार कर रहा है सारे लोग। देखिए तो हल्ले हल्ले कर कर सारे लोग टीवी देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, और प्रार्थना भी कर रहे हैं माता रानी से कि जल्दी सा मेरा इंडिया जीत जाए, इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया जीते। तो खूब यहाँ पे भीड़ भी लगा हुआ है, बूढ़े से लग के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के यहाँ पे मैच का एंजॉय ले रहा है और मैच देख रहा है।